हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला जॉन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो फास्टट्रैक कंपनी का स्मार्ट वॉच है दोस्तों, उसमें कस्टम वॉलपेपर या फिर हम अपना खुद का फोटो जो है दोस्तों नहीं सेट कर पा रहे, वहां पे हम लोग एक एरर आ जाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल दोस्तों मेरे पास यहाँ पे मेरा जो फास्टट्रैक का स्मार्ट वॉच है उसमें मैंने यहाँ पे अपना खुद का फोटो यहाँ पे मैंने लगा लिया। लेकिन दोस्तों जैसे आप लोग जो है फास्टट्रैक का ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ से आप लोग जैसे ही फोटो को चूज करते हो और यहाँ से कोई सा भी फोटो को लगा और यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन आ जाता है। यहां पे देख सकते हो मैक्स योर वॉच कनेक्टेड विथ योर फोन। यहां पे आप लोग देख सकते हो कनेक्टेड भी हमारा है वॉच, लेकिन दोस्तों फिर भी जो है हमारा यहां पे फोटो सेट नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी फास्टट्रैक कंपनी का स्मार्ट वॉच है और आप भी जो अपने स्मार्ट वॉच में अपना खुद का फोटो नहीं लगा पा रहे, नहीं सेट कर पा रहे, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आप लोगों को यही बताया कि किस तरीके से आप लोग जो है इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग आप अपने स्मार्ट वॉच के अंदर जो है कस्टम फोटो को आप लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलो दोस्तों मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूं कि कैसे क्या आप लोगों को सेटअप करना है। उससे पहले दोस्तों आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताओ कि आपके पास फास्टट्रैक कंपनी का कौन सा मॉडल का स्मार्ट वॉच है और आपने यार कितना में खरीदा है कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल दोस्तों मैंने ये 1300 के आसपास मैंने खरीदा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को आपका जो मोबाइल फोन है उसको आप लोगों को ओपन करना है। मोबाइल फोन को ओपन करने के बाद प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सबसे आपका जो पहला स्टेप बनेगा, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके फास्टट्रैक का जो एप्लीकेशन है दोस्तों अभी जो है अपडेट आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है दोस्तों कि आपका जो एप्लीकेशन है वो पुराना होने के कारण ये प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो लेटेस्ट वर्जन है फास्टट्रैक का, ये देख सकते हो नाम भी चेंज हो चुका है, फास्टट्रैक स्मार्ट वर्ल्ड इस बार आ चुका है। तो एप्लीकेशन को सबसे पहले आप लोग अपडेट करना है। अपडेट करके दोस्तों आप लोगों को ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। अगर आप लोग जो है न्यू कर रहे हैं दोस्तों तो हो सकता है अकाउंट वगैरह बनाने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो अभी दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होता है, इस पर यहाँ पे देखो वॉच पे क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा, तब तक आपको वेट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आता है ये सबसे पहले वो चीज़ समझो। ये प्रॉब्लम इसलिए आता है दोस्तों कि आपका जो स्मार्ट वॉच है वो आपके फ़ोन के साथ जो है अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ हवा हवा में कनेक्ट होता है, जिसके कारण जो है आपका फोटो यहाँ पे सेट नहीं हो पाता है, जो है यहाँ पे जो है नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट ये बनता है कि दोस्तों कि आपका जो स्मार्ट वॉच है वो आपके डिवाइस के साथ जो है अच्छे तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, आपके फ़ोन के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं चलो वो चीज़ समझते हैं। तो अभी दोस्तों आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को माई वॉच पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा अनपेयर पर। अनपेयर पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को आपका जो स्मार्ट वॉच है सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अनपेयर करना है, तब जाके आप लोग यहाँ पे जो है फोटो लगा पाओगे। अनपेयर कर दिया आपने, ठीक है, आज बहुत अच्छा किया। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे फिर से वॉच पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सर्च मेनूली पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को वेट करना है, करीब जो है 10 सेकंड के आसपास आप लोगों को वेट करना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो मॉडल है डिवाइस है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है देख सकते हैं वॉच का हमारा पे यहाँ पे आ चुका है। अगर दोस्तों आप लोग का यहाँ पे वॉच फाइंड आउट नहीं कर पाता है तो सबसे पहले आप लोग अपना एक बार ब्लूटूथ को ऑन करके एक बार ऑफ कीजिए और फिर से ये चीज़ जो है ट्राई कीजिए, तो यहाँ पे फाइंड आउट 100% कर लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेयर का ऑप्शन आ जाएगा, तो जस्ट आप लोगों को जो है यहाँ पे पेयर करना है, ठीक है। पेयर करने से पहले दोस्तों यहां पे आप लोग एक बात का ध्यान रखना है, क्या रखना है देखो, यहां पे जैसे पेयर करोगे तो फोन में आपका पॉपअप शो करेगा, यहां पे देखो यहां पे। उसके बाद दोस्तों यहां पे तुरंत पॉपअप आ जाएगा मैसेज दोस्तों आपके फोन में और यहां से आपका जो है कनेक्ट होगा। मैं आप लोगों को यहां पे दिखाना चाहूंगा, यहां पे पेयर सक्सेसफुली हो रहा है और यहां पे हम लोग जो है थोड़ा सा यहां पे वेट करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले हम लोग को कनेक्ट करना है, तब जाके हमारा प्रॉब्लम ये सही होता है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है। अभी दोस्तों आपका जो फ़ोन है दोस्तों वो यहाँ पे कनेक्ट तो हुआ है, लेकिन अभी हवा हवा में कनेक्ट हुआ है, अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ब्लूटूथ के ऑप्शन पर यहाँ पे देख सकते हो ऑन का ऑप्शन आ रहा है, जबकि हमारा यहाँ पे दोस्तों जब तक कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक हमारा जो अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं होगा और तब तक हम लोग जो यहाँ पे फोटो को सेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, ब्लूटूथ को इस तरीके से ऑन करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसका पूरा सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे जो अवेलेबल डिवाइस है इस पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हो सकता है दोस्तों ऊपर में भी आपका आ सकता है जो भी वॉच का नाम है, तो यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल दोस्तों मेरा ये वाला है तो मैं यहाँ से इसको पेयर कर लूँगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी आपका आ सकता है अवेलेबल डिवाइस पे। तो चलो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब तक हमारा कनेक्टेड नहीं आता है, यहाँ पे जब तक नाम शो नहीं करता तब तक यहाँ पे आगे प्रोसेस हम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अच्छे तरीके से कनेक्ट करना, जब तक कनेक्ट नहीं होता
तब तक ये प्रोसेस आप लोगों को करना है, ठीक है, कनेक्ट यहाँ पे करना है किसी तरह से। अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा जुगाड़ से यहाँ पे मैंने जो है इसको यहाँ पे जो है कनेक्ट किया। करेंगे क्या कि दोस्तों यहाँ से इसको हम लोग अनपेयर करेंगे, फिर पेयर करेंगे तो हमारा यहाँ पे पेयर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारा कनेक्टेड बता रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ब्लूटूथ में भी यहाँ पे हमारा जो है वॉच का नाम शो कर रहा है। अब दोस्तों हमारा जो वॉच है वो फाइनली जाके हमारा डिवाइस से कनेक्ट हुआ, तो अब हम यहाँ पे फिर से बैक आएंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गैलरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से दोस्तों हम लोग कोई सा भी फोटो ले लेते हैं। चलो दोस्तों मैं ये वाला ले लेता हूँ फोटो, ठीक है। लेने के बाद यहाँ से हम लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे, और यहाँ पे दोस्तों फाइनली देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लिक करना पड़ता है इस पर, इंस्टॉल ऑन वॉच जो लिखा हुआ है ना इस पर क्लिक करना होता है। इस पर नीचे कहीं पर क्लिक करने से आपका फोटो सेट नहीं होगा। ये जो इंस्टॉल ऑन वॉच लिखा हुआ है जस्ट आप लोगों को इसी पे इस तरीके से करना है। जैसे आप इस पे करोगे दोस्तों तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो फाइनली दोस्तों आपका जो स्मार्ट वॉच है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फोटो सेट करना यहाँ पे देख सकते हो रहा है, यहाँ पे मतलब फोटो सेट कर रहा है। और अभी दोस्तों यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा जो ये स्मार्ट वॉच के अंदर जो फोटो है दोस्तों वो यहाँ से सेट हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फाइनली दोस्तों हमारा यह जो स्मार्ट वॉच है उसमें देख सकते हो फोटो भी यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है, फोटो भी हमारा सेट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से यूज़ करके आप लोग भी फोटो सेट कर सकते हो अगर फोटो सेट नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया क्यों फोटो सेट नहीं होता और आप जो है किस तरीके से फोटो को सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग मोबाइल वाला जॉन।